नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु बीसवीं ट्रेडिशन से आपको स्वागत करता हूँ। अभी तक तो बीसवीं ट्रेडिशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी बटन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुँचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज को नया सीख लेते हैं। होगा दोस्तों आपको इंग्लिश बढ़िया से नहीं आते और अंग्रेजी लोगों के साथ सेट करना चाहते हैं, इंग्लिश के अलावा कोई दुनिया की और कोई अनजान भाषा बोलने वाले लोगों के साथ सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा और पूरा पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस्टेक ना कीजिएगा तो आपको दुनिया में किसी भी अनजान भाषा बोलने वाली लोगों के साथ सेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हिंदी आती है आप मैसेज हिंदी में लिखेंगे, आपका फ़ोन इंग्लिश में टाइप करेंगे, अगर आप मैसेज टाइप करेंगे हिंदी में, आपका मोबाइल टाइप करेंगे उर्दू में। अर्थात आप जिसको मैसेज भेजना चाहते हैं, जिस भाषा में आप मैसेज भेजना चाहते हैं, जिसके साथ आप सेट करना चाहते हैं, उसी भाषा में आपका फ़ोन ऑटोमेटिक टाइप करेंगे जेंगे बोलेंगे, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों आपके एंड्रॉयड मोबाइल के सहायता से ये आप बिल्कुल पॉसिबल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कैसे आपका मोबाइल आप टाइप करेंगे हिंदी में, ये ऑटोमेटिक इंग्लिश में टाइप हो जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों तीन ऐप्स, छोटे छोटे ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा अर्थात इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये तीनों ऐप्स की मैं लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस तीनों ऐप्स के बारे में थोड़ा इंटरफेस बताता हूँ। नंबर वन जी बोर्ड है, नंबर टू टेंसलेटर है, नंबर थ्री हाई टेंसलेटर है। ये तीनों ऐप्स को आप इंस्टॉल करना पड़ेगा तो भी आप बड़ी आसानी से किसी के अनजान भाषा भाषी लोगों के साथ आप सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, माई पहले नंबर वन जी बोर्ड को आप खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरफेस आ जाएंगे, आप जो जो मांगे आप इसको अलाउ कर देना है, सिलेक्ट इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, आप पहले जी बोर्ड को सूच लेंगे, सूच करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश दिखाई देगा, इसको इंग्लिश कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश कर लेंगे, अब ऐड कर देंगे, ऐसे ओके कर देंगे, इंडिया इंग्लिश तो यूएसए है, डन हो गया। आपकी इस तरह का है डन, हिंदी हिंदी इंडिया है, ठीक है हिंदी इंडिया है, और इसको ओके कर देंगे, ए बी सी इंडिया, हैंड राइटिंग हिंदी है, ठीक है ये ओके हो गया है, एड कीबोर्ड इसको क्लियर हो गया। अब आएंगे गूगल ट्रांसलेटर, ये वाला क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मैं इसको अलाउ करके रखा हूँ, इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आएंगे हाई ट्रांसलेटर, हाई ट्रांसलेटर ऐसे आएंगे, इसको आप मैंने ओके करके रखा है तो इसको आप ओके कर देना है। हाई ट्रांसलेटर इसको ऑफ है, इसको ऑन कर देना है, यहाँ ऑन कर देना है, बस इतना ही काम करना है। ओके, आप तीनों इंस्टॉल हो गया, सेटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब इसको कैसे करना है, कैसे करना है अब इसको देखो, खुलेंगे तो हिंदी और इंग्लिश, अर्थात आप जहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे वो भाषा रखना है जिस भाषा से आप ट्रांसलेट करके आपने सुनना है देखना है उसको यहाँ लिखना है, और जिस भाषा से ट्रांसलेट करना है वहाँ यहाँ लिखना है, यहाँ
ठीक है दोस्तों, ये हो गया हाई टेंशन रेडर का। आप तीनों का काम क्या क्या है मैं बताता हूँ। पहले आपको व्हाट्सएप खोल लेना है, जिसको मीडिया में भेजना है वो खोल लेना है। मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप ने खोल लिया, व्हाट्सएप में मैंने जिसको भेजे मैसेज भेजा उसको क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैंने एक इमोजी जैसा मिलेगा, यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों मैंने कोई भी एक जिसको मैंने मैसेज सेट करना चाहता हूँ उसको मैंने क्लिक कर लिया। अब इसको मैसेज टाइप करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। देखिए लाना है, इसको क्लिक करके फिर इसको क्लिक करना है, फिर जो आ गया फिर शुरू करना है। तुम्हारा नया नाम क्या है, क्या है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लगा दिया। तुम्हारा नाम क्या है, अपना फ़ोन, मेरा फ़ोन टाइप कर लिया, व्हाट इज़ योर नेम, बिल्कुल राइट है जी। आप इसको सेंड करेंगे, अर्थात मैसेज मेरा चला गया। इस तरह के आप मैसेज भेज सकते हैं। देखिए मैंने मैसेज इंग्लिश में भेज दिया, आप चाहे अरबी में कैसे भेजेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसको राइट साइड में क्लिक करेंगे, अरबी को चूज लेंगे, बंगला एरिया अमरीकन अरबी, अब इसको क्लिक कर दिए, अरबी कर दिए। अब इसमें मैं लिखेंगे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ कहाँ हाँ हो, देखो तुम कहाँ हो, वो ऑटोमेटिक मेरा उर्दू में टाइपिंग हो गया। अब इसको मैंने सेट कर दिया, अब उर्दू में टाइपिंग हो गया। अब मैंने चाहता हूँ साइना में कैसे लिखते हैं, सो चाइनीज़ भाषा में मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो इसको उर्दू को साइना तो क्या बोलता है यार, चाइनीज़ सीनेस सीनेस सीना, हाँ ये है, इसको मैंने सीना कर दिया, तो साइनीज़। मैं अब हिंदी में लिखूँगा, मेरा फ़ोन साइनीज़ में टाइपिंग करेगा। देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, के वाई ए क्या है। ये देखिए दोस्तों, मैंने तुम्हारा नाम हिंदी में लिख दिया, मेरा फ़ोन चाइना में अर्थात चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। आप इसको मैंने सेंड कर दिया, दुनिया की किसी भी अननोन भाषा बोलने वाले लोगों के साथ सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आप मैसेज सेंड करने के लिए। अब बात आ गई है, आप साइनीज से मैसेज सेंड कर दिए, अब वो बंदे आपको वो अगर आपको जवाब दे दिए तो आपको कैसे समझ में आएंगे वो क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा तिसला, जो ऐप्स आप डाउनलोड करके रखे है हाई ट्रांसलेटर, किसी भी भाषा का आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यह है, यह इस तरह का है जी, ये आप इसको यहाँ ला के छोड़ देंगे, वो आपको तुरंत बता देगा तुम कहाँ हो। देखिए जी दोस्तों कितना कमाल की ऐप्स है। ठीक, इसको आप यहाँ रखेंगे, ऊपर वाला हाउ आर यू लिखा, इसमें देखो तुम क्या हाल है, इसको देखेंगे। अब इसको जहाँ रखेंगे दोस्तों वहाँ बता देगा, देखो आपका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, साइनीज आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको अब जहाँ रखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखो क्या तुम हो, कहाँ हो तुम, देखो तुम कहाँ हो, मतलब तुम कहाँ है, ये सारे कुछ ट्रांसलेट कर देगा दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों आप दुनिया के किसी भी नए वाले लोगों के साथ सेट कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये आप वो जानकारी पूरा ले लेंगे तो दोस्तों बहुत काम आएगा। एक तो सेट तो आंजन भाषा का तो सेट करके आप इसमें पढ़ सकते हैं, दूसरा आप जैसे कोई इंग्लिश में मैसेज आ जाते, कोई फारसी में मैसेज आ जाते, अपने फ़ोन में आ जाते, लेकिन आपको समझ में नहीं आते क्या क्या लिखा होता है उर्दू में फारसी में, तो ये आपको काम आएगा जी, ये आपको अपनी भाषा में पढ़ के सुनाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मोबाइल में को भी इंग्लिश में मैसेज आ गया, गेस्ट बुकिंग का, उन कुछ लाइसेंस पेसेंस कुछ भी इंश्योरेंस के बारे में इंग्लिश में मैसेज आ गया और इंग्लिश का नॉलेज आपको ज़्यादा नहीं है,
तो आपको जदेपुर लिखे बंदे के उस जा के एक पुरुष को होना पड़ेगा जी। दोस्तों देखिए जी दोस्तों, मेरा क्या मैसेज आया है, मेरे को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आते, तो आपको वो अच्छा होगा तो पढ़ के सुनाएगा, नहीं है तो आपको बोलेगा अभी टाइम नहीं है कोई नहीं। तो ऐसे दोस्तों आपको ये आपका एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से आपको हेल्प करेगा, आपको किसी के पास जाने का लोड नहीं है। आप खुद ही आप ट्रांसलेट इसको लेके यहाँ करके आप छोड़ देंगे, तब तुरंत बता देंगे आपका नाम क्या है। साइन इसमें मैसेज भले ही आ जाए लेकिन आप समझ जाएंगे मैसेज में क्या लिखा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे, तो एक लाइक को बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी इंटेलिजेंट बना सके, अनजान दुनिया की अनजान भाषा भाषी अनुन बोलने वाले लोगों के साथ सेट कर सकते और वो भी सेट कर सकते और कोई भी भाषा का मैसेज अपनी भाषा में पढ़ने के लिए बहुत काम आते थे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली नई ट्रिक के साथ।